नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल विवेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल विवेक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम आपको आज बताएंगे कि कई बार आपकी बाइक में ये प्रॉब्लम आती है कि कार्बोरेटर से तेल लीक होता है। वो तेल किस तरह लीक होता है और किसकी वजह से लीक होता है, वो हम आपको वीडियो में सारी डिटेल बताएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये देखो दोस्तों, हमारे पास एक आज कार्बोरेटर है, ये स्कूटी का कार्बोरेटर है। चाहे आपके पास बाइक का कार्बोरेटर हो या स्कूटी का कार्बोरेटर हो, हम इसको देखेंगे आज इसमें कि इसमें क्या प्रोसेसिंग होती है और किस प्रकार कार्बोरेटर हमारा वर्किंग करता है। चलो देखते हैं हम। जब हमारा ये कार्बोरेटर स्कूटी या बाइक में लगा होता है तो इसमें सबसे पहले ये पाइप होती है, ये टंकी से इंक्लूड होती है। चलो हम इस पाइप से जाता है तेल, पेट्रोल जाता है और कार्बोरेटर में जाता है। चलो हम इसमें पेट्रोल डाल के देखते हैं कि ये क्या वर्क करता है और किस प्रकार पेट्रोल अंदर जाता है। चलो हम पहले इसमें पेट्रोल डालेंगे, एक बर्तन रख लेंगे नीचे, नहीं तो नीचे गिर जाएगा। ये देखना दोस्तों, इसको पूरी तरह से भर लेंगे कार्बोरेटर को। फिर देखते हैं इसमें कहाँ कहाँ पेट्रोल जाता है और इसकी हम पूरी वर्किंग आपको बताएंगे किस प्रकार से कार्बोरेटर वर्क करता है। ये कार्बोरेटर हमारा भर चुका है पूरी तरह से। अब इसको हम डिसमेंटल करते हैं। तो इसको हम सबसे पहले इसका रिजर्वायर खोलेंगे, ये नीचे वाला होता है, ये रिजर्व होता है इसका जहाँ पे पेट्रोल जाता है। इसको देखते हैं हम खोल के इसमें कहाँ कहाँ पेट्रोल आया है और आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से पेट्रोल आया और इसके बाद कहाँ कहाँ पेट्रोल जाएगा। चलो इसको हम खोलते हैं पहले। इसमें दो स्क्रू होंगे, ये देखो दोस्तों। जब हमने पाइप से पेट्रोल डाला तो इस रिजर्वर में इंक्लूड हो गया, रिजर्व में आ गया, ये देखो तेल। अब इसमें देखते हैं जब ये पूरा भर जाएगा, नहीं ये पूरा भर जाएगा तो ये फ्लोट होता है इसका, ये ऐसे उठेगा ऊपर, ये ऐसे उठेगा तो हमारी यहाँ पर नीडल होती है, वो हम आपको खोल के बताएंगे उसको कैसे प्रोसेस करती है वो भी। तो ये दबेगा तो हमारा तेल इसका पेट्रोल ऊपर ब्लॉक हो जाएगा और तेल नीचे नहीं आएगा, क्योंकि यदि ये ब्लॉक ना हो तो तेल हमारा डायरेक्ट आएगा और यहाँ से इस रिजर्वायर से बाहर निकलेगा, लीक होने स्टार्ट हो जाएगा। इस कंडीशन में ये आपकी नीडल ख़राब होती है, अंदर नीडल होती है। चलो हम इसको अब खोल के बताते हैं आपको फ्लोट को और इसमें जट्टों को बताएंगे किस प्रकार से इसके दो जट होते हैं किस प्रकार से वर्किंग करेंगे और इसमें निडल होगी एक, उसको बताएंगे हम किस प्रकार से ये वर्किंग करते हैं। चलो इसको हम खोलते हैं। अब सबसे पहले इसमें पिन होती है एक, जो फ्लोट के साथ लगी होती है, उस पिन को निकालेंगे। ये पिन निकाल ली, उसके बाद हम फ्लोट को निकालेंगे और उसी फ्लोट में ये निडल होती है। अब हम आपको फ्लोट का वर्क समझाएंगे, क्या वर्क होता है फ्लोट का। जब ये कार्बोरेटर में लगता है फ्लोट तो इसका वर्क, मेन वर्क ये होता है कि जब रिजर्वायर में, जो हमारा ये रिजर्वायर है, रिजर्व होता है, जब ये भर जाता है पूरी तरह से तो ये उठ जाता है, ऐसे उठ जाएगा नीचे को, ऊपर को हो जाएगा ये, और हमारा तेल ब्लॉक हो जाएगा निडल की सहायता से, तेल ब्लॉक हो जाएगा और तेल आना बंद हो जाएगा। यदि किसी कारण ये कई बार होता है ये फ्लोट कट जाता है तो इसमें पेट्रोल भर जाता है अंदर, तो उस कंडीशन में ये भारी हो जाता है तो फिर भी ये लीक करने स्टार्ट हो जाता है तेल, तो ये चेक कर लेना चाहिए। चलो इसको फ्लोट को हम साइड में रखते हैं। अब आते हैं निडल पे।
ये देखना इसकी निडल होती है, इसमें क्या वर्क होता है ये बताएंगे हम। इसमें जब हम इस निडल को इसमें डालते हैं, इसका ये छेद होता है, इसमें डालेंगे निडल को तो ये ब्लॉक कर देगी इस तेल को। इसका मेन काम होता है कि तेल को ये ब्लॉक करती है, जब ये इसको दबती है ये नीचे तो तेल ब्लॉक हो जाता है, और उठ जाती है तो तेल आने स्टार्ट हो जाते हैं। निडल का बस यही काम होता है। और कई बार ये निडल ख़राब हो जाए तो यहाँ से रिजर्वायर से तेल निकलना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से तेल निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये प्रॉब्लम आपकी बाइक में कई बार आती होगी कि तेल कार्बोरेटर से निकल रहा है, वो निडल की वजह से होता है कि वो बाहर निकलता है तेल, निडल उसकी ख़राब हो तो। चलो अब जट्टों के ऊपर आते हैं। इसमें दो जट होते हैं, मेन जट होता है और एक पायलट जट होता है। ये होता है मेन जट, ये साइड है इसकी जहाँ पे आपका फिल्टर लगेगा, फिल्टर वाली साइड है ये जहाँ पे आपका एयर फिल्टर लगा होता है, और ये इंक्लूड होगा आपके इंजन से। ये वाली साइड इंजन से इंक्लूड होगी। इसको हम खोल के बताते हैं आपको। दोस्तों मैं निकाल लिया, ये इसकी इंजन वाली साइड होती है जो इंजन के साइड लगती है, जहाँ पे मिश्रण तैयार होके आता है, एयर और फ्यूल का मिश्रण तैयार होके आगे को जाता है इंजन की तरफ, ये वो वाली साइड है। और ये आपकी ये जहाँ पे फिल्टर लगता है, फिल्टर वाली साइड है। अब जब तेल ऊपर को आता है जट्टों से तो ये ऊपर होके मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, जहाँ ये दो हमारे स्क्रू लगे होते हैं। एक स्क्रू होता है ये जो हमारा रनिंग का होता है, कि जब हमारी बाइक रनिंग कम या ज़्यादा हो जाए तो यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये रनिंग का होता है। और ये होता है दूसरा स्क्रू, ये होता है पेट्रोल का। पेट्रोल का होता है जैसे कई बार होता है कि गाड़ी हमारी स्टार्ट ना हो तो इसको हम एडजस्ट करते हैं तेल को, तो इसी से सहायता से करते हैं। तो मिक्सचर तैयार होने के बाद यहाँ से आपका इंजन की तरफ चला जाता है, इंजन की तरफ मिक्सचर चला जाता है। तो फिर अंदर फिर आपका स्ट्रोक स्टार्ट हो जाते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, चार स्ट्रोक होते हैं इंजन में, वो स्टार्ट हो जाते हैं। ये इसमें होती है बेंचुरी होती है, ये वाला इसका पोर्शन होता है सारा कार्बोरेटर का, ये बेंचुरी होती है यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ से खुली है और अंदर से होती है क्लोज। यहाँ से देखना अंदर से क्लोज होगी, इसको बोलते हैं कार्बोरेटर की बेंचुरी। ओके बस इतना ही था दोस्त हमारा। चलो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के सहायता से कार्बोरेटर के बारे में सारा लग गया होगा पता। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अभी कार्बोरेटर का हमारा एक मेन पार्ट बचता है, उसको बोलते हैं चोक। यदि आप चोक के रिलेटिव कोई भी वीडियो चाहते हैं या उसकी पूरी वर्किंग चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करें तो मैं उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा और प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, ताकि आपको पता चल सके कि चोक किस तरह काम करती है। धन्यवाद दोस्तों। What can I say? Please recognize I'm trying.